अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ उस्वाज़ी। तो आज के व्लॉग में मैं बना रही हूँ एक टर्किश डिप, जो खाने में बहुत ही यमी रहेगी और इतना सिंपल, क्विक और इजी रेसिपी है कि आप ज़रूर ट्राई करें इस चीज़ को। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ बड़ा बैंगन, जो इसको एक प्लांट कहते हैं। इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है जब तक अंदर का पूरा गल ना जाए। उसके बाद इसको क्लिंग रैप में मैं रैप करके थोड़ी देर रख दूँगी। ऐसे रखने से उसका पूरा स्मोकी फ्लेवर अंदर ही रहेगा। इसको वॉश नहीं करना है, हल्के हाथ से आप बाहर से निकालेंगे, चाहिए तो टिश्यू यूज़ कर लें। यहाँ साफ़ एकदम हो चुका है और इसको रफली मैं चॉप कर रही हूँ। तो इस डिप का कॉम्बिनेशन बहुत सारी चीज़ों के साथ है, जैसे बिरयानी के साथ, रोटियों के साथ, हर कबाब के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है और मज़ेदार भी रहती है बिकॉज़ ऑफ़ द स्मोकी फ्लेवर। यहाँ मैं कढ़ाई ले रही हूँ जिसमें तेल ऐड किया है। उसके बाद ज़ीरा थोड़ा सा भून लेना है। उसके बाद हम ऐड करेंगे हमारा बैंगन जो हमने काट के रखा हुआ था। इसको हम चलाते जाएंगे और इसमें ऐड करेंगे नमक और हल्दी। बस इतना ही मसाला है इसमें जो ऐड होगा। अब इसको एक भरता कंसिस्टेंसी आने तक अच्छे से सॉटे करते रहना है। तो ये डिप मैं हमेशा से बिरयानी के साथ खाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और ये चीज़ मैंने सीखा है मेरी दीदी से और जब से उन्होंने सिखाया बहुत सालों से मैं यही करती आ रही हूँ और बहुत मज़ेदार बनती है। तो ऐसे डिफरेंट कल्चर्स के अलग अलग डिशेस और अलग अलग रेसिपीज़ मेरी दीदी से मैंने बहुत सारे सीखे हैं। तो यहाँ मैं उनका इंस्टाग्राम अकाउंट अटैच कर दे रही हूँ, आप ज़रूर जाके चेकआउट करें। तो उनकी वीडियोस में ये खास बात है कि सारी रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और वीडियो एक मिनट के अंदर अंदर आपको सारी चीज़ें दिखने को मिलेगी। तो जो भी चीज़ हमें चाहिए वो वेरी नीट एंड क्रिस्पली एक मिनट के अंदर अंदर दिखा देती हैं। तो ज़रूर चेकआउट करें उनका अकाउंट। तो यहाँ मैं जो भरता बनाई थी उसको ऐड कर रही हूँ कटे हुए प्याज, मिर्च और धनिया के साथ, एकदम फाइनली चॉप किया हुआ है। और आप चेक कर लीजिए नमक इस पॉइंट पे। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो ज़्यादा ग्रीन चिलीज़ ऐड कर लीजिएगा, मगर जो भी ऐड करेंगे बारीक कटी हुई चीज़ ऐड करेंगे, प्याज हो या धनिया हो या ग्रीन चिलीज़ हो। और इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ दही और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमारा ये डिप तैयार है। ये बहुत ही इजी डिप है, ये चीज़ आप पराठों के साथ, कबाब के साथ अच्छे से खा सकते हैं। ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।